हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास टेंथ चैप्टर्स प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसके बेस पे आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। द चांस दैट समथिंग विल हैपन, हाउ लाइकली इट इज दैट सम इवेंट्स विल ओक्योर। किसी भी सिचुएशन या इवेंट का कितना चांस है, जिसे हम प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको लर्न रखना है, आपको ईच सम्स में ये यूजफुल होगा। नेक्स्ट आपका है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ श्योर इवेंट इज वन। स्टूडेंट, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज जिसकी होने की संभावना हो, जिसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। इसका सेकेंड नेम भी है स्टूडेंट, जिसे हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटीज वन होती है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इम्पोसिबल इवेंट इज जीरो। इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज जिसके होने की संभावना ना हो, जिसे हम इम्पोसिबल इवेंट कहते हैं, और इम्पोसिबल इवेंट जीरो होती है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ई इज ए नंबर पी सच दैट, जो आपकी जीरो से लेके वन के बीच में होती है, या फिर जीरो हो या फिर वन हो। एन इवेंट्स हैविंग ओनली वन आउटकम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। दिस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। आप लोगों ने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रोबेबिलिटीज होती है, जिस सम करते हैं टोटल एलिमेंट्रीज का, जिसका आंसर आपका वन आता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। लास्ट है आपका फॉर एनी इवेंट ई पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन, वेयर ई स्टैंड फॉर नॉट ई, ई एंड ई डेज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। दैट कैन नॉट हैपन इज, देखिए स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज जो नहीं होती है, डेज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जब इवेंट्स आपकी क्या होती है, जीरो होती है, जिसे हम इम्पोसिबल इवेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्पोसिबल इवेंट कहने का मीनिंग्स यह है कि इस प्रकार की घटना जो ना हो, उसे हम इम्पोसिबल इवेंट्स कहते हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज जो होती है, इस डे सच इज इवेंट इज कॉल्ड, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कहते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटीज आपकी 100% होती है, जिससे हम वन होती है, और जिसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। मेन पॉइंट में आपने लिखाया था मैंने आपको श्योर इवेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मैंने आपको कहा था कि जो टोटल होता है प्रोबेबिलिटीज का, वो ऑलवेज कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आपका वन होता है। क्वेश्चन फाइव पे इसमें द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मीन्स अधिक हो या बराबर हो, एंड लेस देन आर इक्वल, कम हो या फिर बराबर हो। तो देखिए, ग्रेटर से इक्वल कहता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहां क्या लिखना है स्टूडेंट्स, जीरो मीन्स बड़े से बराबर, एंड लेस देन आर इक्वल टू, और लेस यानी कम से आपको बराबर कहता है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स वन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ पी इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट्स में एक फॉर्मूला समझाया था, आप लोगों को शायद याद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला समझाया था, सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट्स कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता था स्टूडेंट्स, आपका वन होता था। तो आप यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को PE की वैल्यू यहां दे दी गई है, तो आपको नॉट E है, नॉट E मतलब नॉट P वाला, E वाला आपको फाइंड करना है। तो आप लोगों को पहले PE की जगह वैल्यू रख देनी है 0.05,
जीरो फाइव प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन। ठीक है, सो अब आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको पहले यहां राइट कर दीजिए, पी नॉट ई इज इक्वल टू, ठीक है ये वन लिखा हुआ है तो वन लिख लीजिए। अब यहां देखिए ये 0.05 जो है आपका प्लस का है, इसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा 0.05। देखिए अब हमें वन में से 0.05 क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। सो पी नॉट ई जो आपका है स्टूडेंट्स वो आपका आ जाएगा 0.95। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर निकल गया है। क्वेश्चन सिक्स, ए बेग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टैक्स आउट वन कैंडी विथाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट सी टैक्स आउट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान दिया हुआ है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड सेकेंड ए लेमन फ्लेवर कैंडी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना है। इसमें कहा गया है कि एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर की कुल्फी है, कैंडीज पड़ी हुई है, और जिसमें से वो क्या कर रही है मालिनी, विथाउट लुकिंग मीन्स देखे बिना बैग में हाथ डाल रही है और कैंडी को उठा रही है। तो कहा है कि जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो ऑरेंज कलर की कैंडी निकलेगी स्टूडेंट्स। तो सीधी सी बात तो ये है पहले कि इस बैग के अंदर ओनली फॉर लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो ऑरेंज की तो आपके पास कैंडी हो नहीं सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज करना चाहो तो सपोज कर सकते हो और नहीं करना तो नहीं करिए, कोई बात नहीं। चलिए हम सपोज करना है तो कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास यहां पे कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, ऐसा नहीं कहा गया है कि लेमन की इतनी कैंडीज है या फिर ऑरेंज की इतनी कैंडीज है। हमें यहां ओनली कहा गया है कि इस बैग के अंदर लेमन की कैंडीज है, बट कितनी है वो हमें नहीं बताइए, तो हम वन मान के उसको चलते हैं। चलिए फर्स्ट आपकी प्रोबेबिलिटीज है, यहां हम लिख लेते हैं लेमन फ्लेवर कैंडीज कितनी सपोज करी मैंने, ओनली वन ही की है। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं की, ओनली वन की है। एंड दूसरी इसने बात की है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ऑरेंज की है, बट ऑरेंज की तो इसमें है नहीं, तो हम लिख सकते हैं ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज तो होगी नहीं, तो हम लिख देंगे जीरो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो आपको प्रोबेबिलिटीज दी है उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो यहां लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट, ये हमें लिखना ही है, ठीक है, क्या लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन हमें यहां लिख देना है द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारा, प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का है इसलिए हम यहाँ पे पी ए करेंगे, हमें लाइन से अल्फाबेट के नंबर से उसमें लेना है, जैसे पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं स्टूडेंट्स, वन है, ठीक है, टोटल हमारे वन थे, बट जिसमें से ऑरेंज कलर की कैंडीज हमारे पास ओनली फॉर जीरो है, तो क्या हो जाएगा ऊपर जीरो, जीरो अपॉन वन, आपको पता है कि अपॉन में जीरो हो या फिर डिनोमीटर्स में जीरो, उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है स्टूडेंट्स, जीरो आ जाता है। ओके, सेकंड आपकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पूछी है कि लेमन फ्लेवर कैंडी, जो कैंडी होगी वो लेमन की होगी, तो यहां पे भी हम लिखेंगे
द प्रोबेबिलिटी दैट, इतना लिखने के बाद फिर से हम क्वेश्चन लिख देंगे, ए लेमन फ्लेवर कैंडी. ओके स्टूडेंट्स, लेमन फ्लेवर कैंडी हो गया इतना. ठीक है, पी ए था, इसमें लिखेंगे पी बी. चलिए अब देखिए, अब आपके पास लेमन फ्लेवर की कैंडीज कितनी थी स्टूडेंट्स, वन ही थी. और टोटल भी हमने कितनी मानी है स्टूडेंट्स, वन मानी है. तो वन से वन कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा वन. अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को. अभी मैंने कहा था कि कोई भी प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक है, उसकी सम मैंने आपको कहा था, मैं आपको इसमें समझाऊंगा. तो जो सम प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स होता है वो वन होता है. कैसे, देखिए वन और जीरो को प्लस करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वन आ जाएगा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेवन, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे. स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉट हैविंग लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट हैविंग समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर बार का साइन होता है उसे नॉट हैविंग पढ़ते हैं. सेम बर्थडे इज 0.992, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया है कि टू स्टूडेंट जो हैं उनका बर्थ डेट जो है बर्थडे वो सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दे दी गई है. तो सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी. तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट्स दे दिया गया है कि देखिए समझना है आपको, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने कहा नॉट लिखा हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पे पी नॉट ई या फिर ए ले लीजिए. मैंने आपको कहा था अल्फाबेट के रूप में लेना है आपको. पी नॉट ए आपको दे दिया है 0.992. कैसे दिया गया देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगेन टाइम रेट करेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मीन्स दो बच्चों का एक साथ जन्मदिन ना हो के लिए हमारा पी नॉट ए, आपने सुना होगा पी नॉट ई मैंने कहा था, वो इवेंट्स के रूप में था, बट यहाँ पे आपको अल्फाबेट के फॉर्म में ही लिखा जाता है. तो पी नॉट ए आपको 0.992 दिया गया है. तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे पी ए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड करना है. समझ में आया, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों का जन्मदिन साथ में हो, ठीक है, उसकी संभावना ज्ञात करो, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स. नाउ पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू वन. सो पी नॉट ए की वैल्यू आपको दी है 0.992 इज इक्वल टू वन. हमें फाइंड करना है पी ए, ठीक है स्टूडेंट्स. सो पी ए इज इक्वल टू वन. अब ये देखिए ये प्लस का है, वहां गया आपका तो कन्वर्ट होके माइनस का हो जाएगा. तो देखिए पी ए इज इक्वल टू वन में से 0.992 आपका माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो 0.008 ये आप लोगों की दोनों का बर्थडे साथ में हो उसकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटीज आ गई है. समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स. क्वेश्चन एट, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. What is the probability that the ball drawn is a red ball, second not red? Student, first of all, आपको यहां पता होना चाहिए कि आपकी total probabilities कितनी है. चलिए देखते हैं total probabilities, ठीक है, total probability. So, आपको total probabilities कैसे पता चलेगी students? आप लोगों के पास यहां पे रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, रेड एंड ब्लैक बॉल, ठीक है, जिसमें से रेड बॉल आपकी है स्टूडेंट्स 3 एंड ब्लैक बॉल आपकी है 5. तो टोटल आप लोगों के पास 8 क्या हो गई स्टूडेंट्स, बॉल हो गई है. ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटीज दी गई है. उसके बाद हमें पूछा गया है कि यहाँ पे रेड बॉल कितनी होगी. तो रेड बॉल आपके पास 3 है और टोटल प्रोबेबिलिटीज आपकी 8 है, तो 3/8. और नॉट रेड, तो रेड नहीं हो, तो रेड नहीं है तो कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक. तो ब्लैक कितनी आपकी 5/8 आ गया आंसर.
चलिए सॉल्व करके देखते हैं। लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। जो बॉल हो वो आपके कैसी होना चाहिए स्टूडेंट, रेड होना चाहिए। तो लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू, ठीक है लाइन से लिखते हैं पी ए पी बी जितनी आपकी इवेंट्स हो, फॉर्मूला जो आपका होता है, ठीक है आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले फेवरेबल आउटकम्स कितने परिणाम आ रहे हैं और टोटल कितने परिणाम हैं। तो टोटल आपके रेड बॉल के कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्री, तो 3/8 ये आप लोगों का आंसर ही हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड आप देखोगे स्टूडेंट्स, कहा है आपकी जो बॉल है वो रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड नहीं होगी तो आपकी कौन सी होगी स्टूडेंट, ब्लैक होगी। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड, नॉट रेड, तो रेड आपके पास नहीं है, तो रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी, तो ब्लैक आपकी 5 है। तो हमें लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू 5/8, ये आप लोगों का आंसर हो गया स्टूडेंट्स।